हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बच्चों की इस आदत को कैसे छुड़ाएं। बच्चे अक्सर कई बार बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं और उनका बाथरूम बीच में निकल जाता है। उन्हें भी एहसास नहीं होता कि उनका बाथरूम कब और कैसे निकल गया। जब हम कहते हैं कि आपने बाथरूम करना है बच्चे, तो कह रहे हमें पता ही नहीं लगा कब निकल गया। तो इस छोटे से नुस्खे के द्वारा आप बहुत ही आसानी से बच्चे की इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चे की ये छोटी सी प्रॉब्लम कई बार बड़ा बड़ा भी काम कर जाती है, जैसे कि बिस्तर में पेशाब करने के कारण उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। कई बार बाहर गए होते हैं तो बच्चा बाथरूम कर देता है बिस्तर में, तो उनका बिस्तर भी खराब हो जाता है। हमें उनको पहले ही कहना पड़ता है कि हमारा बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है, तो उस समय हम खुद भी शर्मिंदा होते हैं और बच्चा भी शर्मिंदा महसूस करता है। आपको ऐसा ना करना पड़े तो इस छोटे से नुस्खे को अपना कर आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे की इस आदत को छुड़ा सकते हैं। तो इस नुस्खे को आपने कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कैसे इसका सेवन करना है, यह सब जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो को दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आप इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन को आप हल्का बारीक पीस लें। हल्का बारीक पीसने के बाद सिर्फ इतनी मात्रा में 1 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम आपने प्रतिदिन बच्चे को सेवन करने के लिए देनी है। दिन के समय नहीं, सिर्फ रात के समय, रात्रि सोते समय, रात्रि सोते समय 1 ग्राम अजवाइन बारीक पीसी हुई गुनगुने पानी के साथ बच्चे को सेवन करने के लिए दें। अजवाइन में जो होती है गर्मी होती है, अजवाइन बच्चे के अंदर गर्मी पैदा करती है, जिससे कि उसके बाथरूम करने की क्षमता को वो रोक लेता है और उसे एहसास होता है कि उसे अब बाथरूम आ रहा है। खुद आपको बताएगा आपका बच्चा कि अब उसे बाथरूम आ रहा है। इस नुस्खे को जैसे जैसे वो प्रतिदिन डेली रूटीन में शामिल कर दो गया, अब कुछ दिनों में आपको फर्क खुद महसूस होगा कि अब आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब नहीं करता। अगर आपका बच्चा एसी की हवा में ही ज्यादातर बाथरूम करता है तो आप कोशिश करें उसे एसी में मत सुलाएं, नॉर्मल जगह का पर ही सुलाएं। जब उसका स्टेमिना मजबूत हो जाए, जब उसको बाथरूम करना पता लग जाए कि हाँ उसको बाथरूम आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसकी आदत बदलें और उसे एसी में सुलाना शुरू करें। एसी की ठंडक की वजह से या कूलर की ठंडक की वजह से बच्चे अक्सर बाथरूम कर देते हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण नुस्खा है। इस नुस्खे को आप अपनाकर कुछ दिनों में खुद देखेंगे कि आपका बच्चा आप बिस्तर में बाथरूम नहीं करता। इस छोटे से नुस्खे के द्वारा आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब करना छोड़ जाएगा। तो उम्मीद हो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।